तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। अब जैसा कि आप लोग को लास्ट टाइम याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पर ना सारा प्लानिंग वगैरह कर लिया था, और लास्ट टाइम ना ये वाला पुलिस का कार ना मैंने चोरी किया था, और इसके अंदर गन्स और एमओ भरे हुए थे, जो कि हम लोगों ने अभी उसके अंदर से निकाल लिया है और भर के अपने पास वेपन्स आ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बिल्कुल बात ही नहीं है। फिलहाल गाइस जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था अगला वाला वीडियो ना मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, बट मैं भाई काफ़ी दिनों से वीडियो डाल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से बीमार था और मैं वीडियो नहीं ला पाया था। अभी ना गाइस हम लोग बिना किसी देर का चलते हैं वो वाला ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए, और ना गाइस आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अपने पास ना बहुत ही ज़्यादा पैसा आने वाला है। अभी एक बार आप लोग देख सकते हो मेरे पास ना कितना कम पैसा बचा हुआ है, मतलब फ्रैंकलिन के पास इतना है भी, माइकल के पास तो बिल्कुल है ही नहीं भाई, उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों को ना भाई पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उस वाली लोकेशन पे ना हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ख़तरनाक सीन होने वाला है भाई साहब। सब यहाँ से उतरने वाले हैं और सीधा जाकर वहाँ पर ना सभी बंदे को लपेटने, मतलब लपेटने वाले नहीं है, वहाँ पर जितने भी कीमती सामान है वो लूटने वाले हैं, जितने भी हीरे वगैरह हैं, अंगूठियाँ वगैरह सारा लूटने वाले हैं भाई। बहुत मज़ा आने वाला है भाई साहब। यहाँ पर हम लोगों ने आकर सारा काम करना शुरू कर दिया है, और मैं क्या करूँ, एक सेकेंड, ओके फाइनली भाई साहब यहाँ से सारा का सारा सामान लूटते हैं और भागते हैं भाई। अपने पास बहुत पैसा आने वाला है यार, मजाक से हटके हद पैसा आने वाला है भाई। जल्दी जल्दी लूटते हैं, और पुलिस के आने से पहले हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर ना गाइस यार मैं दबा कर लूट रहा हूँ, जितना भी पैसा हो सकता है ना मैं लूट रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हो भाई कितना सारा पैसा मैंने ले लिया यहाँ से, मतलब इतना पैसा हम लोग को बेच कर मिलने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, अपने पास पैसा का बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाला यार। इसको भी लूटो, और यहाँ पर और भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, इसको भी लूटते हैं और फटाफट से भागते हैं यहाँ से। यहाँ पर ना एक लास्ट बचा हुआ है, इसको तोड़ते हैं और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं बिना किसी देर का। अपने पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, अब यहाँ से पुलिस के आने से पहले से निकलना पड़ेगा मेरे को। भाई ये कौन सा बंदा था, ये अलग ही चौड़ में था, इसको हम लोगों ने भाई सब इसको हम लोगों ने यहाँ पर लपेट लिया है, मतलब लपेटा नहीं है, गिरा दिया है। यहाँ से हम लोग फटाफट से निकलते हैं, यहाँ पर अलार्म भी बज चुका है, जल्दी से निकलना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। अभी ना गाइस मेरे को बिल्कुल ध्यान से चलाना पड़ेगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाला हूँ मैं, नहीं तो अगर यहाँ पर अगर मैं गिर गया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है भाई। आराम से चलते हैं यार, ये बढ़िया, मतलब ये उस अभी गलती कर दी थी मैंने, बच गया। अभी ना गाइस मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बट मैं बच गया यार। ओ भाई आराम से, बिल्कुल आराम से, जल्दी भागो यहाँ से यार। अभी ना गाइस यहाँ पर मैं बढ़िया तरीके से बिल्कुल चलाने वाला हूँ, यहाँ पर अगर कोई भी गलती मैंने कर दी ना फिर ख़त्म है भाई। भाई साहब ये वाला मिशन ना बहुत हार्ड हो गया यार, मतलब ये बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली पतली गलियाँ आ रही है, और उसके अंदर चलाना है भाई साहब मत ही पूछो यार, बिल्कुल यहाँ पर सिर दर्दी वाला काम है यार, ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। बट कोई नहीं, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग बाहर आ चुके हैं भाई साहब। ओ यहाँ पर हम लोग एक ट्रक पे स्विच हो चुके हैं, और यहाँ पर मेरे को इस पुलिस वाले को पीछे छोड़ना है। ओके मैं समझ गया भाई, ये क्या हो गया, नहीं ये ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, जल्दी आगे बढ़ो जल्दी से, मेरे को कैसे भी करके ना ये दोनों जो कार है इसको मेरे को धक्का देकर पीछे छोड़ना है, इसको भी वही करना है मेरे को भाई साहब। पीछे हट जा, बहुत पीटेगा मेरे से। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाने वाला हूँ। तू कहाँ आ रहा है भाई साहब, समझ ही नहीं है यार, पीछे से कोई भी नहीं आ रहा,
बट आगे मेरे को बिल्कुल ध्यान रखना है, इन तीनों को ना कैसे भी करके मेरे को बचाना है पुलिस वालों से। यहाँ से भी पुलिस वाले आ चुके हैं, इसको भी मैंने पीछे छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो गाइस यार, यहाँ पर पुलिस वाले ना पीछे छोड़ चुके हैं और उन लोगों ने पीछा छोड़ दिया। फाइनली यहाँ पर हम लोग बच चुके हैं। अभी ने मेरे को यहाँ से कैसे भी करके आगे जाना है और अपने इस ट्रक के अंदर ना तीनों का तीनों बाइक जो है उसको मेरे को अंदर रखना है और यहाँ से हम लोग को भागना है कैसे भी करके। भाई पुलिस वाले को ना बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग इस ट्रक के अंदर हैं और यहाँ से हम लोग भाग रहे हैं। मेरे को यहाँ से बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी मेरे को बिल्कुल भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग इस ट्रक के अंदर हैं। अब ना मेरे को यहाँ से बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करनी, किसी भी बंदे को भाई ठोकना नहीं है, नहीं तो पुलिस वाले ने धर लिया ना भाई फिर बहुत गलत सीन हो जाने वाला है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिलहाल हम लोग उस वाले लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर लेस्टर ने मेरे को बुलाया है। भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेस्टर जो है ना वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और अपना जो ट्रक है वो मेरे को यहाँ पर जाकर पार्क करना है। फाइनली भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिशन था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और अपने पास पैसा ही पैसा है हो गया। ओके गाइस यार, यहाँ पर ना हम लोग अभी फ्रैंकलिन के पास वेज हो चुके हैं और मैं ना मेरे को यहाँ से अपने माइकल भैया के पास जाना है, मतलब उसके घर पे जाना है। तो भाई फटाफट से चलते हैं, शायद से वहाँ पर ना हम लोग को भाई पैसा वगैरह तीनों को बटने वाला है, मतलब जितना भी पैसा हम लोगों ने यहाँ पर चोरी किया है ना हम लोग को बांटने वाला है, तुम समझ रहे हो। और वहाँ पर हम लोग को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है और लमार का कॉल आ चुका है यार। गाइस यहाँ पर ना मैं फुल स्पीड के अंदर अपना जो कार है उसको भगा रहा हूँ और थोड़ा बहुत ठोक भी चुका है, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से चलाते हैं और जल्दी से भाई माइकल के पास चलते हैं और चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या सीन होने वाला है। भाई हमेशा मेरे साथ ना गलत सीन होता ही है यार। ओके भाई साहब, यहाँ पर हम लोग फाइनली ड्राइव करते करते यहाँ माइकल के घर पर पहुँच चुके हैं और कार का हाल देखो यार, मैंने क्या कर दिया है। कोई नहीं, अपना जो कार है वो हम लोग यहाँ पर पार्क करते हैं और फटाफट से माइकल के घर में चलते हैं और चलकर उससे बातचीत करते हैं, शायद से ना यहाँ पर हम लोग को पैसा वगैरह मिलने वाला है अब। ओके भाई साहब, यहाँ पर हम लोग माइकल के घर में आ चुके हैं और यहाँ पर मस्त अपना माइकल बियर पीने में लगा हुआ है। ओके गाइस, तो अभी ना यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि वहाँ पर मैंने भाई स्किप कर दिया और सीधा हम लोग ट्रेवर पर स्विच हो चुके हैं, मतलब कि अपना जो तीसरा कैरेक्टर ट्रेवर था ना वो यहाँ पर अनलॉक हो चुका है और हम लोग ट्रेवर के साथ भी अभी खेल सकते हैं। मेरे को ना अभी अपने ट्रक के अंदर जाकर बैठना है और आगे कहीं जाना है, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कहाँ पर जाना है और मैंने बातें वगैरह नहीं सुना यार और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पर मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं ट्रेवर के पास कैसे पहुँचा। और यहाँ पर ये देखो यार, ओके तो मेरे को यहाँ पर कोई भी आईडी नहीं भाई यहाँ पर हम लोग कैसे पहुँच चुके क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था वो कट्स वगैरह, मैंने स्किप कर दिया था गलती से और यहाँ पर हम लोग ड्राइवर के पास वेट हो चुके हैं। मुझे ना गाइस यहाँ से अभी थोड़ा बहुत दूर जाना है। वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ड्राइवर का जो ट्रक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तो है बट काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है यार, ये देख रहे हो तुम भाई, पूरा ही गंदा हो चुका है और जगह जगह पर जंग भी लगे हुए हैं। फाइनली यहाँ पर हम लोग ट्रेवर्स के साथ भी अब खेल सकते हैं और इसका भी स्टोरी देखने वाले हैं आगे क्या होता है इसके साथ। फिलहाल हम लोग फटाफट से आगे चलते हैं और उस वाले लोकेशन पे चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या सीन होने वाला है। वैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर जितने भी कार्स वगैरह है वो ज़्यादातर कार्स ना पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर जंग वगैरह लगी हुई है, मतलब जितने भी कार्स मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर देखोगे वो सारे गंदे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं क्योंकि ये एक विलेज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किसी गैंग के पास आ चुके हैं हम लोग। भाई साहब मेरे को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था यहाँ पर क्या हुआ, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, मेरे को छुप कर जाना था और पीछे ही अपना जो कार है उसको रोकना था और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सीधा अंदर जाकर अपना जो कार है मैंने घुसी कर दिया यार। फाइनली भाई साहब उस वाले लोकेशन पे हम लोग बातचीत करते करते तो पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है आगे क्या करना है। मैं अपना जो कार है वो मैं बिल्कुल आराम से चलाने वाला हूँ और इस बार शायद से अपना काम हो चुका है और मुझे पता ही था ये लोग भाई यहाँ पर भाग चुके हैं। यहाँ पर मेरे को कुछ तो लग रहा था भाई गैंग के बंदे ये लोग, तो ये लोग कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं और ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बंदा है तो उसके साथ भाई लड़ाइयाँ वगैरह ना होती रहती है, तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पर इन लोगों ने भाई ड्राइवर के साथ कुछ गलत किया होगा और ड्राइवर भाई आप लोग को पता ही गलत बंदा है तो ये तो नहीं छोड़ने वाला। फिलहाल ना गाइस मेरे को उन लोगों को पकड़ना है भाई, ये क्या, ओह शिट ये कैसे हुआ भाई, वो नहीं अभी मैंने उसके ऊपर चढ़ा दिया था भाई,
भाई जल्दी आकर बैठ, वो लोग भाग जाएंगे यार। जल्दी 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 से मेरे को अपना जो कार है उसको भगाना पड़ेगा यार। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई साहब। लेट्स गो, फटाफट से बढ़ते हैं आगे, उन लोगों को पकड़ते हैं, नहीं तो अपना यहाँ पर मिशन फेल होने वाला है दोबारा से, और मैं दोबारा से भाई वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहता यार। शिट भाई, और मैं पहुँच चुका यार, टेंशन क्यों ले रहा हूँ मैं। एक सेकेंड भाई साहब, ये वाला जो ट्रक है ना थोड़ा बहुत बेकार भी है, इसका हैंडलिंग बहुत घटिया है यार। ओ इसको भी मैंने गिरा दिया, लेट्स गो भाई, ये बढ़िया था। तू कहाँ भागेगा, इसको भी पकड़ के कूटेंगे हम लोग भाई, आज तो कूटेगा ये। अब पता नहीं इसने क्या किया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट कूटना तो है ही इसको मेरे को भाई। मुझे तो यहाँ पर डर लग रहा है ये पीछे वाला बंदा फिर से ना गिर जाए, नहीं तो इस बार ये भागेगा यार। भाई यार मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी थी यार, मतलब उसके पास ऑटो गन था यार। इस बार बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है ना, इस बार कोई भी गलती नहीं करनी मेरे को। एक सेकंड, ये फूट क्यों नहीं रहा, फूटेगा वो फूटेगा भाई, अभी गंदा फूटेगा वो। ये भी पीटेगा मेरे से, मेरे को पता था वो फूटे वाला। पीछे से आ रहा है एक बंदा, ये सोच रहा है कि ये मेरे को मार देगा, लास्ट टाइम भी ऐसे ही आ रहा था। ठीक है, आजा आजा भाई, बहुत पहले से ही इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। एक काम करते हैं हम लोग, आराम से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। भाग रहा है ये बंदा, भाग रहा है भाई, बहुत गंदा भाई साहब, यहाँ पर गलत सीन है। काम करते हैं, इधर से भी बंदे शायद से मार रहे हैं, इधर चलते हैं भाई साहब दोबारा से ना, हम लोग इधर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे बंदे हैं। ओ भाई ये लोग मारने ही लग गए सीधा भाई, ये गलत है भाई, इधर से भी बंदे आने वाले यार, मैं कवर नहीं ले सकता। ओ भाई कवर में जा, पागल है क्या भाई, ये पिटेगा भाई मेरे से। एक सेकंड भाई, इसको इसको ज़्यादा छोड़ भाई, इधर से भी आ रहे बंदे, आ जा पीटेगा ये। और हम लोग एक काम करते, ओ भाई गंदा लपेट रहे हैं यार ये लोग। गाइस मेरे को यहाँ से ना बहुत बढ़िया तरीके से लड़ना पड़ेगा, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना फिर प्रॉब्लम हो जाने वाली है भाई। अपना हेल्थ बहुत कम है, अभी हम लोग एक काम करते हैं भाई, इस सिलेंडर को उड़ाते हैं, बहुत सही सीन हो जाएगा ये। ये सही हो गया, दो बाइकर आ रहे हैं मेरे को लग रहा है ऐसा, दो बाइकर 100% आ रहे हैं, मेरे को पता था। ये ले और ये भी, वो बच गया ये, पीटा पीटा मेरे से, ये बहुत गंदा पीटा। यहाँ पर भी एक पड़ा हुआ है, इसको भी फोड़ेंगे भाई, पूरा तहस नहस करने वाला हूँ भाई। फिलहाल लगा सब लोग यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं भाई। ये कितने नल्ले बंदे हैं यार, ये दोनों अपने साथ क्यों ही हैं, ना होते तो ज़्यादा बेटर। ओ भाई कवर कवर भाई, कवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। मैं इस कार के पीछे छिपता हूँ ना जाकर, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, दिक्कत आ रही है यार यहाँ पर। आजा इसको ज़्यादा चौड़ा भाई, यहाँ पर कितने बंदे हैं गाइस, यहाँ पर कितने बंदे हैं यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। आजा पिटेगा ये मेरे, भागो भाई, इसमें आग लग गई। नहीं अबे यार भाई साहब, ये वाला मिशन ना बहुत ही हार्ड हो रहा है, अब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है भाई। अब पीटेंगे ये लोग, बहुत गंदा पीटेंगे यार, तुम लोग बस देखते जाओ। अभी अभी मैं बिना डरे खेलने वाला, बहुत डर रहा हूँ यार मैं, बहुत ज़्यादा ही डर रहा हूँ। अब बहुत हो गया इन लोग का, अब तुम लोग बस देखते जाओ। यहाँ पर हद कर दी भाई, बिल्कुल हद। अब मैं इतना गंदा पीटने वाला हूँ ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अबे भाई ये गंदा लपेट गया मेरे को, हो गया इसको, ये फट ना जाए यार, मेरे को डर लग रहा है। आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल दिक्कत वाली ये बात नहीं है। इसको फोड़ते हैं, अबे शॉटगन बंदे के पास है।
भाई साहब ये क्या हो गया? ये सही किया मैंने, ये बहुत सही किया मैंने यार। ये ज़्यादा चौड़े बन रहे थे अब लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा चौड़े बन रहे थे ना, अब पिटेंगे ये लोग मेरे से। आजा हो गया, दोनों को कूट दिया मैंने। वो जो दोस्त है ना अपना, वो दोनों साथ में आ जाते ना यार, मज़ा आ जाता है बिल्कुल, सच्ची बता रहा हूँ बिल्कुल मजाक से हटके। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई भाई। नहीं नहीं भाई साहब यहाँ पर गलत गलत आ रहे, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, सबको कूटेंगे। एक सेकंड भाई, अपने पास गलत हो चुका है अभी, अब पीटे ये लोग भाई। अपने पास ऑटो गन आ चुका है, अब देखो तुम लोग। वो हो गया अपना काम, भागो गाइस, यहाँ पर ना अपना काम हो चुका है, जल्दी से निकलना है मेरे को बस, जल्दी 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 भाई। ये वाला मिशन सीरियसली बहुत हार्ड था भाई, मजाक नहीं कर रहा, बहुत हार्ड था ये वाला मिशन भाई। जल्दी आ भाई, वो बंदा उतर क्यों गया पता नहीं भाई, क्या सीन है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अगर वो लोग दोबारा से पीछे पड़ गए तो बहुत गलत सीन हो जाने वाला है। अभी मैं ये निकलने वाला हूँ, मुझे पता है भाई ये वाला मिशन ना बहुत ज़्यादा हार्ड था, और मैंने भाई इसको जैसे तैसे करके कंप्लीट कर दिया है भाई। सीरियसली भाई ये बहुत हार्ड था। फाइनली यहाँ पर हम लोग किसी एरिया पे आ चुके हैं जहाँ पर मेरे को आना था, अभी उस वाले लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कोई तो एक बंदा है। अच्छा मैं समझ गया भाई, अभी ना यहाँ पर मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने अपना जो ट्रक है उसको मेरे को फुल स्पीड के अंदर लेकर जाना है। सामने वाला जो इसका कैंप है या पता नहीं क्या है, इसको जाकर मेरे को ठोकना है बहुत गंदा भाई। ये सही सीन है भाई, इसको सीधा नीचे गिराने वाले हम लोग। बट मेरे को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। मैं ना सारा कट सीन स्किप कर देता हूँ शायद से, इसीलिए मेरे को कुछ पता नहीं चलता। इस बार मैं नहीं करने वाला स्किप। वैसे मेरे को इस बंदे को अभी लपेटना है, क्या करेगा, इसको मार दूँ क्या मैं? मेरे को मन नहीं कर रहा, बट मारना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब ये वाला मिशन ना बहुत हार्ड हो गया था यार, मतलब कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। वो लोग जो गैंग के बंदे थे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे भाई। भाई मैंने जैसे तैसे करके उन लोगों को मारा है अभी भाई, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था मुझे ना गाइस। अभी यहाँ से फटाफट से पता नहीं किधर जाना है, मैप के अंदर कॉल कर देगा, अपने घर पे जाना है। फटाफट से चलते हैं और चल कर देखते हैं भाई वहाँ पर अपन लोग को क्या सीन मिलने वाला है। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फाइनली ये वाला मिशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये देख रहे हो तुम लोग एक बार, ये है भाई, बात भी नहीं करने देते ये लोग। और गाइस ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर ये अपना घर है, मतलब ये ट्रेवर का घर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, जैसा कि आप लोग इसका हालत देख ही सकते हो। और ट्रेवर जो है ना एक विलेज के अंदर रहता है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, ये इसका विलेज है। और वैसे आप लोग देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है यार इसका, विलेज में आकर देख ही सकते हो क्या ही प्यारा लगता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अभी शाम हो रखी है शायद, और क्या ही बढ़िया नज़ारे देखने को मिल रही है। इसका जो कार है वो मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है वैसे, बस इसका थोड़ा बहुत ना हैंडलिंग बेकार है, बाकी सब बेस्ट है। बाकी का जहाज किस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मिशंस वगैरह कंप्लीट कर लिया है भाई, बहुत टाइम हो चुका है, काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है। और अभी ना मेरे को लगता है माइकल और फ्रैंकलिन ट्रेवर तीनों ना लॉस सैंटोस के अंदर शायद से वो छिपे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है भाई, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने ज्वेलरी शॉप लूटा है, तो पुलिस वालों से अभी बहुत ज़्यादा खतरा है, तो वो लोग ना कुछ दिनों तक छुप कर रहने वाले हैं, उसके बाद ही बाहर निकलने वाले हैं। और तब तक ना हम लोग यहाँ पर ट्रेवर का स्टोरी देखने वाले हैं, ट्रेवर के जीवन में क्या चल रहा है। और आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हो, अगले वाले एपिसोड में मेरे को यहाँ पर किसी सी के पास जाना है, जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाकर हम लोग अगले वाले एपिसोड में देखेंगे वहाँ पर क्या सीन होता है। बाकी आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है होना, तो बस जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना, तो सब्सक्राइब वाला बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।